सोशल मीडिया पे ना काफी चलता रहता है कि उरुस और कर्व के अंदर 19-20 का फर्क है, क्या सही में फर्क है? चलो पता करते हैं आज। तो आज बात करने वाले हैं हम टाटा कर्व इलेक्ट्रिक वर्जन का, जो एक कूपे एसयूवी है और इसके मेनली टॉप मॉडल की बात करेंगे। और ये गाड़ी ना, मैं सही बता रहा हूँ, आप फ्रंट से देखो काफ़ी अच्छी लगती है, पीछे से देखो काफ़ी अच्छी लगती है, और पीछे से तो उरुस वाले लुक्स जो आते हैं ना इसके, भाई वहीं दिल छू लेती है ये गाड़ी। और मैं कहूँगा उरुस भी इसके सामने आ जाए ना तो भाई कोई खास फर्क नहीं पता चलेगा आपको। खैर वो सब छोड़कर हम बात करते हैं अपनी गाड़ी की, क्या फीचर्स मिलते हैं। तो देखो साइड से जो लुक्स है ना वो काफ़ी बढ़िया आते हैं गाड़ी के। और ये चाबी नई चाबी है जो टाटा ने स्पेशली डिज़ाइन करी है कर्व के लिए, और ये चाबी काफ़ी प्रीमियम दिखने को मिलती है आपको। और जैसे ही आप लॉक करोगे ना गाड़ी को, आपको देखने को मिलेगा कि ये जो DRL है भाई, इसमें एक एनिमेशन टाइप सा चल रहा है जो काफ़ी अच्छा लगता है, मैट्रिक्स DRL इसको कहते हैं। और जैसे आप इसको अनलॉक करोगे तब ये वापस से ऐसे चलेगा। तो ये ना भाई महंगी गाड़ियों में चीज़ मिलती थी जो टाटा ने दिया हुआ है, मतलब महंगी गाड़ी की बातचीत इस गाड़ी में कुछ ना कुछ तो है। यहीं से आप लाइटें भी ऑन कर सकते हो और लाइट पूरी वाइट देखने को मिलती है। अच्छी बात यह है कि भाई पीछे से आपने बूट खोलनी है ना, सिर्फ ये बूट वाला बटन दबा दो चाबी पे, जैसे ही आप दबाओगे ना अपने आप ही भाई बूट खुल जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है। और दम लगाने की भी जरूरत नहीं है, टाटा वालों को पता है कि भाई ये काफ़ी भारी बूट है, तो इसके लिए बटन दे रखा है, आपकी डिक्की अपने आप ही बंद हो जाएगी। और वैसे आप सैरियर और सफारी की तरह स्वाइप करके भी इसको खोल सकते हो। अब फ्रंट की बात करूं तो यहाँ आपको फोग लैम्प देखने को मिल जाता है, और वाइट में ही देखने को मिलेगा भाई। और यहाँ पे इस तरह का कुछ फ्रंट देखने को मिलता है, बिल्कुल सेम नेक्सॉन जैसा फ्रंट है। यहाँ आपको कैमरा की प्लेसिंग दे रखी है, देख लीजिए कितना हिडन दे रखा है भाई। और यहाँ पर आपको पार्किंग सेंसर्स भी दे रखे हैं दो, बाकी ना गाड़ी और नेक्सॉन वाली ही DRL दे रखी है, जो सेम बिल्कुल लुक्स देख सकते हो आप। मान लो आपको एक सिडान चाहिए, और सिडान गाड़ी के अंदर ये दिक्कत होती थी कि भाई नीचे लग जाती थी, तो आप ये गाड़ी ले सकते हो, सिडान वाली फील भी देगी, और कूपे SUV वैसे इसको कहते हैं। बाकी इस गाड़ी के अंदर जो अलॉय व्हील्स दे रखे हैं ना वो काफ़ी बड़े दे रखे हैं, जिस कारण ये गाड़ी काफ़ी बल्की लग रही है और काफ़ी बढ़िया लग रही है। रोड प्रेजेंस भाई व्हील से अच्छी होगी, लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पियानो में दे रखा है। लुक्स तो अच्छे आ रहे पियानो ब्लैक से, लेकिन आपको ना इसका बहुत केयर करनी पड़ेगी। इसमें आपको कीलेस एंट्री भी देखने को मिल जाती है, आप सिर्फ ये बटन दबाओ आपका डोर अनलॉक हो जाएगा। और ये जो नए फ्लश टाइप डोर हैंडल्स दिए ना वो मैनुअल है, और लेकिन काफ़ी बढ़िया लगते हैं। अब लुक्स तो भाई इस गाड़ी के काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और इस गाड़ी में ना पीछे आपको ये डिफॉगर देखने को मिल जाता है, देखिए यहाँ पर वाइपर वगैरह नहीं देखने को मिलता, और काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी मैं आपको ना इसकी बूट स्पेस एक बार चेकआउट करा देता हूँ। तो ये बूट देखो आपकी कितनी बड़ी बूट है, मतलब ये 500 लीटर के अराउंड तो है ही है बूट। और ये पार्शल ट्रे काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, पीछे तक एक्सटेंड हो रही है, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप, अब जैसे ही आप दरवाज़ा खोलते हो गाड़ी का तो आपको दिखेगा ये वाइट टोन। तो ये वाइट टोन मुझे पर्सनली अच्छी लगती है भाई, डुअल टोन वाला जो है ना, कि ब्लैक के साथ वाइट दिया है, वो काफ़ी अच्छा लगता है। चारों पावर विंडोज़ आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। ये पियानो में दे रखा है, यहाँ पर ORVM एडजस्ट करने के लिए आपको दे रखा है। अब इंटीरियर ना काफ़ी टाटा की गाड़ियों में ना सेम कर दिया है, अब जैसे इसका इंटीरियर आपको नेक्सॉन जैसा मिलता जुलता मिलेगा, और वहीं जो आपको ये हेडलाइट के कंट्रोल्स और ये वाइपर के कंट्रोल्स है ना, ये भाई टियागो में भी सेम ही देखने को मिलते हैं। मतलब टियागो वालों को तो भाई देखो नॉर्मली फ़ायदा ही है। यहाँ पर वेंटिलेटेड सीट्स देखने को मिलती है, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स हैं, और ये भाई रेंज रोवर से इंस्पायर शिफ्टर है। यहाँ पर काफ़ी बढ़िया जो मिडल कंसोल है ना वो जो मिलता जुलता तो देखो है। अब यहाँ पर अगर मैं स्टेयरिंग की बात करूँ, जैसे मैं ऑन करूँगा ना, जो लोगो चलेगा, जो MID चलेगी, वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम महसूस होती है। हालांकि ये सेम MID आपको नेक्सॉन के टॉप मॉडल में भी देखने को मिलेगी। बाकी यही कुछ है हिसाब किताब इसका MID का, बिल्कुल सेम ही है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर टच पैनल के अंदर दे रखे हैं कंट्रोल्स। बाकी अंदर बैठकर ना आपको भाई सिमिलर सा फील होगा, अगर आपने एक नेक्सॉन चलाते हो तो आपको कोई खास अंतर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन फीचर्स इस गाड़ी में आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलते हैं, इस गाड़ी में इवन एडास भी आपको देखने को मिल जाता है। और एक चीज के अंदर टाटा की गाड़ी आपको बहुत खुश करेगी, वो है इसका भाई म्यूजिक सिस्टम। जो इसकी टच स्क्रीन है उसको तो मैं 10 out of 10 दूंगा नई वाली टच स्क्रीन को, लेकिन अगर आप इसका एक बार म्यूजिक सिस्टम को सुन लेते हो ना, इसके स्पीकर्स की क्लैरिटी वगैरह को, तो आप कहोगे यही बेस्ट है। और आपको कोई भी आफ्टर मार्केट काम करवाने की जरूरत नहीं है, जैसे काफी लोग स्पीकर्स लगवाते हैं आफ्टर मार्केट। बाकी इस गाड़ी के अंदर भाई यहाँ ऑटो डिमिंग वाला IRVM देखने को मिल जाता है, इधर आपको सनरूफ भी इवन देखने को मिलती है, ठीक है। मैं सनरूफ आपको दिखाता हूँ, और सनरूफ छोटी मोटी नहीं भाई, बड़ी सनरूफ है, पैनारोमिक सनरूफ जिसको कहते हैं, और इस तरह से ये खुल जाती है।
क्या आप इस फीचर को लेना पसंद करते हो? काफ़ी लोग कहते हैं कि हमें ये चाहिए, लग्जरी बन चुकी है कि अगर आपकी गाड़ी में ये फीचर है तो आप लग्जरी गाड़ी ले ऑन कर रहे हो। बाकी सेंटर कंसोल नेक्सॉन वाला ही देखने को मिलता है, यहाँ पर ऑटो होल्ड का फीचर भी आपको देखने को मिल जाता है, काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर आपको ये ऊपर से खोल कर छोटी सी स्टोरेज भी देखने को मिल जाती है आर्मरेस्ट के अंदर। एक चीज़ जो नेक्सॉन और हैरियर दोनों में नहीं दिखेगी ना आपको, वो है ये चाबी। ये चाबी अभी तक सिर्फ टाटा कर्व के अंदर ही पाई गई है, जो काफ़ी बढ़िया है भाई। अब इस गाड़ी को आप कह रहे होंगे भाई अंदर से तो नेक्सॉन जैसी ही है, सेम ही है ये डायल वगैरह, शिफ्टर वगैरह, लेकिन भाई एक चीज़ अगर मैं बताऊँ ना इस चीज़ में एक्स्ट्रा क्या आती है, अगर आप मान लो मॉल की पार्किंग में गए हो और वो कहते हैं ना बूट खोल के चेक करवाओ, तो आपने भाई सिर्फ ये बटन दबाना है और उनको खोलना भी नहीं पड़ेगा, अपने आप ही ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिकली ऐसे खुल जाएगी। तो आप कह रहे होंगे कि वो बंद करेंगे, तो भाई बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, यहीं से वो बटन दबाओ, आप प्रेस करो और ये अपने आप ही बूट बंद हो जाएगी। ये आजकल की गाड़ियों में ना वैसे सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली होने लग गया भाई, इंसान को मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है बताओ। बाकी यहाँ पर आपको टिकट होल्डर देखने को मिल जाता है यहाँ पर, और दूसरी साइड पर लेडीज़ के लिए आपको मेकअप के लिए देखने को मिल जाता है एक मिरर। बाकी आप देख ही सकते हो भाई बोनेट इतना दिख रहा है, और इस गाड़ी में ना यहाँ पर आपको पैडल शिफ्टर दे रखे हैं, ये देख सकते हो आप, मैं एक मिनट दिखाता हूँ आपको, इधर पैडल शिफ्टर देखने को मिलते हैं। ये गियर वगैरह चेंज नहीं करते, ये रीजनरेशन ब्रेकिंग के मोड्स को सिलेक्ट करने के लिए होते हैं। बाकी रिवर्स कैमरा आप देख लो, इसके साथ सेंसर्स भी देती है भाई कंपनी अब टाटा। ये देखो आप जरा सेंसर्स कैसे काम कर रहे हैं, हरा हरा स्पॉट देख रहे हो आप, लाल स्पॉट, ये सारा सेंसर्स भी दिखा रहे हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई है, आप देख लो सेफ एरिया है। अगर इस गाड़ी के को ड्राइवर साइड जाएं तो कुछ यूनिक फीचर इसमें देखने को मिल जाते हैं। जैसे पहले तो आप यहाँ की फिनिशिंग चेक करो कि इस गाड़ी की फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है, यहाँ से आप देख सकते हो सॉफ्ट टच वगैरह। इधर एयरबैग बंद करने के लिए आपको देखने को मिल जाता है, अगर चाइल्ड बच्चा कोई आगे बैठा रहे हो तो एयरबैग बंद कर सकते हो। और हाइट एडजस्टेबल को ड्राइवर सीट भी देखने को मिलती है, और अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ग्लव बॉक्स देखो आप कितना बड़ा है, यानी काफ़ी कुछ सामान आप रख सकते हो, और ये कूल्ड ग्लव बॉक्स है। अब कूल्ड ग्लव बॉक्स सुनकर इसको भाई फ्रिज मत समझ जाना। अब बात आती है भाई प्राइस की, तो ये भाई है टॉप मॉडल आपके सामने, और ये 55 किलोवाट आर बैटरी के साथ आता है, लॉन्ग रेंज वाला वेरिएंट, और इस वेरिएंट का प्राइस भाई आपको पड़ जाता है 22 लाख एक्स शोरूम। अगर आपके वहाँ सब्सिडी मिलती है तब तो ये गाड़ी आपको सस्ती पड़ेगी, नहीं तो आपको भाई लगा लो 23-23.5 लाख रुपए के अराउंड पड़ जाएगी ऑन रोड आते आते। अब ये जो 55 किलो वाट आर की बैटरी है ना इसके अंदर, वो क्लेम करते हैं कि 500 किलोमीटर तक ये चल जाएगी गाड़ी, लेकिन मेरे हिसाब से 300-350 किलोमीटर तो ये गाड़ी निकाल देगी। इलेक्ट्रिक गाड़ी का ना उल्टा हिसाब होता है, हाईवे पे चलती है कम, लेकिन सिटी में रीजनरेशन मोड के कारण ना ये ज़्यादा निकल जाती है रेंज, क्योंकि साथ साथ गाड़ी चार्ज होती रहती है। बाकी इस गाड़ी में ना एक खास बात है कि भाई इसके अंदर कुछ टॉप अप वाला सिस्टम चलता है, मतलब 15 मिनट की चार्जिंग पर 150 किलोमीटर गाड़ी चल जाएगी, लेकिन ये ना भाई हाई वोल्टेज वाले चार्जर के लिए होगा। अब कर्व ईवी का ना जो बेस मॉडल है वो 17.5 लाख एक्स शोरूम प्राइस से शुरू हो जाता है। अब ये गाड़ी किने लेनी चाहिए भाई, अगर तो देखो आपका बजट बहुत ज़्यादा है और आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी ही लेनी है और एक अलग हटके गाड़ी लेनी है रोड से, कूपे एसयूवी चाहिए, तब आप इस गाड़ी की तरफ जा सकते हो। वैसे तो ना पिछले महीने टाटा वालों ने जो नेक्सॉन ईवी है इनकी उस पर काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट्स निकाले थे भाई, 3-3, 4-4 लाख नीचे आ गए थे प्राइस एक्स शोरूम से सीधा। और अगर आप सोच रहे हो कि टाटा कर्व आपने लेनी है तब आप तभी ले सकते हो कि आपको भाई चाहिए कोई स्लीक सा डिज़ाइन, नया डिज़ाइन चाहिए, बिल्कुल कूपे एसयूवी चाहिए, तब आप इसको ले सकते हो। इंटीरियर इसका नेक्सॉन जैसा ही है लेकिन इसमें फीचर्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। बाकी गाड़ी लेने से पहले ना एक बार फैमिली को भी ले जाया करो, वो बैठ बूट के देख लेंगे कम्फर्टेबल है या नहीं गाड़ी। बाकी टेस्ट ड्राइव तो जरूर आपने करनी है। बाकी वीडियो को यहीं एंड करते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, मिलते हैं अगली वीडियो में।